अस्सलाम वालेकुम, सबह अल खैर, ये अरबी वालों के लिए, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम दमाम, ये इंग्लिश वालों के लिए, एंड सुप्रभात हिंदी में। तो खैर, अभी प्यारी प्यारी सुबह के बज चुके हैं 6, ड्यूटी लग गई है नाश्ते के लिए। जब ड्यूटी लगी है तो जाहिर सी बात जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कुछ देर में एक ब्लॉग बनाने के लिए जाना है जिसमें होगा खाना और बहुत सारी चीजें रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, लाला इंडिया कुल्लू كويس هذا سعوديه دمام ايوه دمام كله 100 ما شاء الله انت من وين انا جنوب جنوب أيوة. وين جنوبي يعني هذا معلوم قنبله ما في معلوم هذا ديار وش اسمه خانها شو معلوم جده هنا ورا तो सुबह सुबह भी मैं निकल रहा था नाश्ते के लिए, तो मिल गई है, तो इनसे मुलाकात हो गई। इनको जो है थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करवानी है, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम इंडिया, सऊदीया दम्माम, और ये है जनूब से, मतलब कि मंतक जनूब से, मतलब कि साउथ सऊदी से। तो अभी लग गई है ड्यूटी नाश्ते की, तो जाहिर सी बात है ड्यूटी लग गई है तो जाना पड़ेगा। मतलब मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि अपने लिए ऑर्डर करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये नाश्ता दे के जो है घर पे मुझे एक ब्लॉग क्रिएट करने के लिए जाना है किसी के साथ, तो जाहिर सी बात है जब बाहर निकलना है तो नाश्ता तो जरूर होगा। तो बस इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि यहाँ से नाश्ता करूंगा तो फिर वहाँ पे जो है नाश्ता नहीं किया जाएगा, साथ में रहूंगा तो भी ये भी मुश्किल है। तो अभी बस मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि अपने लिए ऑर्डर दूं या नहीं दूं, लेकिन कोई नहीं, रास्ते में डिसाइड कर लेंगे कि ऑर्डर लेना है नहीं लेना। खैर, अगर नहीं लेना होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, बाकी हम इंजॉय करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, कोया नहीं अपना पन्ना, एहसास की राह चुनी है, तो जैसे ही मैं नाश्ते के लिए जा रहा था तो मेरा जो है फोन आ गया एकदम कि एक दो आइटम लेना है बकाले से, तो बस वो लेने के लिए चल रहे हैं अभी बकाले के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, के फिलहाल के तैवीन इसकबार, सवाल खैर, वैसे सवाल खैर पहला कहना चाहिए था लेकिन मैं बाद में कह रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, बस फी वाहद ना आगे से, यानी तो मुझे लेना है अभी इधर से केक, माफी मौजूद वाहद ना आगे से वाहद उसमें द्रिफी वरा फी मौजूद वाला माफी मौजूद फी वाहद तब हम मुश्किल माशाल्लाह लियोम कोई सी यानी फी सामूली कफे लियोम माशाल्लाह। तो यहाँ से जो है तो ये आइटम ले लिया है एक दो, लेकिन अभी रह गया, अभी बाकी रह गया। और कभी कभी क्या होता है कि जब जल्दी में होते हैं ना तो बहुत सारे आइटम जो है भूल जाते हैं, जैसे कि अभी मैं भूल गया, तभी जो है हलीब भी लेना, वो लेके जो है चलते हैं फिर जल्दी एकदम। ऐसा नहीं कहीं कोई है, गलत फहमी जो बनी है, कोया नहीं अपना पन्ना, एहसास की राह चुनी है, पल हर
तो फिलहाल अभी आ गया हूँ मैं हैया अल मजरिया में किंगडम ऑफ पेस्ट्री के सामने। यहाँ से जो है ऑर्डर दे दिया मैंने घर के लिए, लेकिन मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो मतलब कि इतना खा भी नहीं पाऊंगा, सेकंड थिंग कॉस्टली भी रहेगा, और फिर आपको तो पता ही है मैं टेस्ट के लिए ही खाता हूँ ज्यादातर, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बाकी जो है बेकार ही जाएगा। क्योंकि हमें जो है अभी बाहर जाना है एक ब्लॉग क्रिएट करने के लिए, वहाँ पर कुछ काम भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसमें क्या है कि वहाँ नाश्ता भी हो जाएगा, और क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि बाहर जाया जाए नाश्ता नहीं हो, तो फिर मैंने इस वजह से जो है अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और मुझे यहाँ आके जो है एक बात याद आ गई, ये बाम्बो चिकन दिख रहा है आपको, एक बार इसमें जो है मैं दाखिल हो गया, मतलब खाना खाने के लिए, तो जब गया अंदर तो यहाँ पे मेन्यू में जो है इतना हाई फाई इतना एक्सपेंसिव खाना था, एक नॉर्मली जैसे चिकन का रेट जो है 60 रियाल 65 रियाल 70 रियाल, यार इतने से कम नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मतलब कि मुझे खाना है थोड़ा सा ही, तो मतलब कि नहीं, फिर मैं आ गया, क्योंकि 60-70 रियाल एक चिकन के बहुत ज़्यादा है ना, है तो मुर्गी लेकिन टेस्ट अलग होगा उसका, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर नहीं की थी, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है आपका भाई फूडी और मूडी दोनों ही है, लेकिन जब दिमाग में आ जाएगा तो उस दिन करूंगा मैं जरूर। तो गाइज अभी जो है अपना ऑर्डर ले लिया है जैसा दिख रहा होगा आपको पीछे, तो इसको जो है अभी ले जाके देना है घर पे, उससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इस वाले ब्लॉग को जो अभी हम पोस्टपोन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे जब मगरिब से पहले ड्यूटी पे निकलना होगा, क्योंकि अभी मुझे जाना है कहीं बाहर दूसरे ब्लॉग के लिए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक लंबे ब्रेक के बाद, ज्यादा लंबा नहीं, 5-6 घंटे का बस।